हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसे इंग्लिश। तो टेंथ के 14वें पार्ट में आपका स्वागत है। इसके पहले 13 पार्ट बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से आप टेंथ पढ़ लिए भाई, तो देखिए टेंथ आपके लिए बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत राह में नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हाँ, पिछले वीडियो में हम सीखे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, तो आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए भाई शुरू करते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। तो बात करें आइडेंटिटी, मतलब पहचान, कैसे हम पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए क्या करेंगे, लिखा जाएगा से, और से के बाद अंत में रहेगा रहा था, रही थी या रहे थे। से रहेगा, से के बाद कुछ शब्द रहेंगे, और फिर रहा था, रही थी, रहे थे रहेंगे, उसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसका होगा हैड बीन, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी जो क्रिया होगी उस क्रिया में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो उसे कहेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलिए कोई बात नहीं, पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा हैड बीन होगा, हैड बीन के वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हैड से के लिए सिंस या फॉर, फिर टाइम, सिंस या फॉर के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था, फिर भी इसमें बता दिया जा रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे की बात होगी तो सिंस लगेगा, वहीं 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे की बात होगी तो फॉर लगेगा। दिनों के लिए संडे मंडे दिया रहेगा तो वहाँ पे आपका लगेगा आपका सिंस, और वही संख्या में दिया रहेगा 2 दिन 3 दिन तो वहाँ फॉर। दिनों का कोई भाग है मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो वहाँ सिंस लगाएंगे, ठीक है। महीने को नाम है तो सिंस लगाएंगे, लेकिन अगर महीना गिनती में दिया है 2 महीने 4 महीने तो वहाँ फॉर लगाएंगे। सन दिया ईयर तो वहाँ सिंस लगाएंगे, अगर ईयर को साल में दिया 6 साल 5 साल तो वहाँ फॉर लगाएंगे। सप्ताह को अगर वही संख्या में दिया रहेगा तो वहाँ फॉर लगाएंगे, अगर निश्चित पॉइंट रहेगा तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, बर्न बर्थ चाइल्डहुड ये सब सिंस लगाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा था, तो मैं के साथ लगाएंगे आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे, ठीक है। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। तो देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में भी यही एग्जांपल दिया गया था, तो यहाँ क्या था, यहाँ सोमवार है और यहाँ मंडे है, ठीक है। तो वहाँ क्या मिस्टेक हो गया, वहाँ भी यहाँ पे लिख दिया गया था मॉर्निंग, प्रेजेंटेशन तैयार करते समय यहाँ पे मॉर्निंग हो गया था तो उसका ध्यान नहीं दिया गया, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग कर दिया गया, यहाँ पे सोमवार है तो उसके आप अन्यथा नहीं लेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ मंडे है, ठीक। तो आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे थे, तो वे के लिए दे हैड बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, कारखाने का फैक्ट्री, फॉर 5 ईयर्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो वह एक वचन है, भी एक वचन बहुत कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग और वैकट होता है भैया हैड बीन। चलिए ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, भाई 3 घंटवा है ना तो फॉर लगाएंगे ना, न कि सिंस लगाएंगे। अगर 3 बजे होता तो क्या लगा देते, सिंस लगा देते, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं भैया। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर। चलिए भैया हम निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर हम देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगा देंगे, फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, मतलब वही क्या करना, हैड के बीच में नॉट लगा देना, और कुछ करना है नहीं। चलिए एग्जाम्पल, शिखा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, भाई नहीं पढ़ रही है तो उसका हम क्या करें, चलो अच्छा ट्रांसलेशन बना देते हैं, क्या हो जाएगा, शिखा हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से फॉर 2 आवर, 2 बजे से होता तो सिंस 2 o'clock हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहे थे, हम तो वी हैड नॉट बीन डूइंग आवर वर्क सिंस 2 o'clock, देखिए यहाँ 2 बजे आ गया तो सिंस 2 o'clock लग गया। महेश शाम से पतंग नहीं उड़ा रहा था, भाई महेश हमेशा पतंग उड़ाएगा कहा, चलिए देखते हैं, तो जाएगा महेश हैड नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस इवनिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करिए यस या नो टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसके हिंदी वाले वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होती है उसे कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। इसमें हैड को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आएगा तो कोई बात लगा देंगे, फिर बीन लगाना, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। बात करें क्या सीखा, 5 घंटे से रो रही थी, तो भाई अगर सीखा कोई मारा पीटा होगा तो रो ही रही होगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए तो क्या से स्टार्ट होगा, हैड लगा देंगे, हैड सीखा, उसके बाद बीन वीपिंग फॉर 5 ईयर्स, फॉर फाइव आवर्स, ठीक है। अगर 5 बजे होता तो सिंस लगा देते, लेकिन 5 घंटे इसलिए फायर लगा है, ठीक। अगर यह नॉट आता तो सीखा के बाद नॉट लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्या तुम इस कॉलेज में 2020 से अध्ययन कर रहे हो, तो हैड यू बीन स्टडिंग, मतलब अध्ययन करना, इन दिस कॉलेज सिंस 2020। अगला एग्जाम्पल, क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही थी, तो जाएगा हैड सीता नॉट, हैड सीता, तब नॉट लगाएंगे, तब बीन लगाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट है सीता और ये नॉट हो जाएगा, तब बीन लगाएंगे। हैड सीता नॉट बीन कुकिंग फूड 5 बजे है तो सिंस 5 o'clock लगाएंगे, क्लियर। चलिए अगला स्टेप देखते हैं,
डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन की बात करें, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेड लगाएंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट, के बाद नॉट होगा लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे थे? तो भाई कर रहे हैं तो करने दीजिए, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या क्यों है, क्यों को पहले लिखेंगे वाई और तब हेड लगाएंगे, वाई हेड, फिर सब्जेक्ट दे हो जाएगा, फिर बीन, वेस्टिंग मतलब नष्ट करना, देयर टाइम अपना समय, सिंस जनवरी। ठीक है, अगला देखते हैं। गरिमा 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रही थी? तो कहाँ के लिए वेयर हेड गरिमा, वेयर हेड गरिमा, बीन स्वीपिंग मतलब होता है झाड़ू देना, स्वीपिंग मतलब झाड़ू देना, फॉर 3 आवर 3 घंटे से। अगला है, तुम 1 सप्ताह से क्या कर रहे थे? तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर अ वीक, 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक। अगला एग्जांपल देखते हैं, सॉरी अगला स्ट्रक्चर अब देखते हैं, हु कौन या किसने, तो हु के बाद हैड, अगर हैड के बाद नॉट है लगाएंगे, नहीं तो फिर बीन, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए देखते हैं, सुबह से तुम्हें कौन बुला रहा था? तो हु हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, हु हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। अगला है, 1 घंटे से खाना कौन खा रहा था? तो हु हैड बीन ईटिंग, हु हैड बीन ईटिंग फॉर फूड फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे से। सुबह से कौन गा रही थी? तो हु हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हु हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पूरा टेंस आपको पढ़ा दिया गया है, 1 टेंस और बचा है, तो भी आपका अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।